नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट में नितिन कुमार। देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव की गिनतियां चल रही हैं और ऐसे में अब लगता है कि देश में द्रौपदी मुर्मू नई राष्ट्रपति बन जाएंगी। आदिवासी महिला को प्रत्याशी के रूप में एनडीए ने उतारा था और वो अपनी जीत के बहुत करीब है। हम राष्ट्रपति चुनाव पर बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति पर अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो मामला है वो इस वक्त सुर्खियों में इसलिए बना है क्योंकि कई सारे जो मंत्री हैं वो अपने अपने अधिकारियों से नाराज दिख रहे हैं। एक तरफ जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के लगातार सरगर्मियाँ बनी हुई थी, एनडीए और यूपीए के प्रत्याशी लगातार अपनी जो ताकत थे वो दिखाने में लगे हुए थे और विपक्षी दल और सरकार दोनों ही अपने प्रत्याशियों की बेहतरी और समाज की बेहतरी के लिए जनता के बीच आकर के एक दूसरे को कम बताने में, कम समझाने में और उनकी कमियां बताने में प्रयासरत थे। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं पूरा जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति की तरफ से राजनीति की तरफ आ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों जब 100 दिन पूरे हो रहे थे तो उस दौरान ये कहा था कि जो मंत्री हैं वो अपने अधिकारियों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नकेल कस के रखें, अधिकारियों के ऊपर काबू बना के रखें, सामंजस्य बना करके रखें। लेकिन 100 दिन पूरे होने के बाद ही ये पता चल रहा है कि कुछ विभागों में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो अपने अधिकारियों से नाराज चल रहे हैं। कल वो नाराजगी की वानगी हमने और आपने देखी कि किस तरह से जो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं दिनेश खटिक, उन्होंने पत्र लिखा था अमित शाह साहब को और उसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और ये भी लिखा था कि मैं एक दलित समाज से आता हूँ, मेरी अनदेखी हो रही है, अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं, मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, मैं कुछ पूछूँ तो जवाब नहीं देते हैं, वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। कई बार दलित शब्द का भी प्रयोग किया था और आखिरी में लिखा था कि मैं अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता हूँ अगर मैं दलितों के लिए कुछ ना कर पाऊँ तो। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये भी खुल के सामने आने लगा कि दिनेश खटिक की तरह कई और मंत्री हैं जो अपने अधिकारियों से नाराज चल रहे हैं, विभाग के अधिकारियों से। अमित मोहन प्रसाद ACS हेल्थ, उनको लेकर के बीते दिनों जिस तरह से कई सारे बड़े खुलासे हुए थे कि किस तरह से ट्रांसफ़र पॉलिसी में उन्होंने गड़बड़ी की। बृजेश पाठक जो कि विभाग के मंत्री हैं वो हैदराबाद में थे और उनकी हैदराबाद में रहने से और वापस लखनऊ आने के बीच के समय में ही उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री से पूछा नहीं गया, वो उप मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे कोई भी पूछताछ नहीं हुई कि ट्रांसफ़र पॉलिसी पर किस तरह से काम किया गया है, कैसे काम नहीं किया गया है। इसके अलावा लोकायुक्त की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है अमित मोहन प्रसाद को और उनके पुराने मामलों को भी खोला गया है जिसमें दवाओं में खरीद फरोख्त और ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना किट के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विभाग में हुआ था। इसके अलावा जो कई और ऐसी संस्थानें हैं जिन्होंने सीधे PMO में शिकायत की है अमित मोहन प्रसाद को लेकर के और उनके भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठाए हैं। तो जाहिर सी बात है पहले बृजेश पाठक अपने अधिकारियों से नाराज थे क्योंकि उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की थी और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में जांच बैठाई गई थी, कई सारे जो भ्रष्टाचार के मामले थे वो खुल करके निकल के सामने आए थे। दूसरी तरफ अगर हम PWD विभाग की बात करें तो जितेंद्र प्रसाद दिल्ली से आज सुबह लखनऊ वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के नेता हैं, हम जब चाहें अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्वों से मुलाकात कर सकते हैं, जब भी हमें समय मिलता है उनसे मुलाकात करने जा सकते हैं और हमारी सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो भी अधिकारी पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, आगे भी कार्रवाइयां होती रहेंगी। अगर वो सब कुछ ठीक उनकी नज़र में था तो आखिर वो दिल्ली क्यों गए, ये भी सवाल बन रहा है क्योंकि कल से लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि जितेंद्र प्रसाद भी अपने विभाग में हुई कार्रवाइयों से नाराज थे और इसी वजह से वो दिल्ली गए थे आलाकमान से मुलाकात करने, शिकायत करने के लिए। फिलहाल 24 जुलाई को एक बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है ऐसा बताया जा रहा है और ये बताया गया है कि बीजेपी शासित प्रदेशों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सबको बुलाया गया है और उस बैठक में क्या विचार विमर्श किया जाएगा ये देखना अहम है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले दिनेश खटिक जो कि नाराज मंत्री थे, जिन्होंने पत्र भी लिखा था, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी शंकाएं थी, मेरे जितने भी सवाल थे वो मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख दिए हैं और सारी शंकाएं सारी समस्याएं उनके सामने बता दी हैं, अब आगे देखना है कि क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं PWD विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अब दिनेश खटिक की नाराजगी और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में गुलाब देवी भी अपने अधिकारी से नाराज चल रही हैं,
अबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का भी नाम सामने आ रहा था कि वो अपने विभाग के सबसे प्रमुख अधिकारी संजय भूसरेड्डी से खुश नहीं है। हालांकि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खंडन किया कि हमारे विभाग में सब कुछ ठीक चल रहा है और जिसने भी ये सब खबरें फैलाई हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लेकिन इस तरह के मामले क्यों निकल कर सामने आ रहे हैं, सरकार में आखिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्यों निकल रही हैं महज तब जब उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद बीजेपी ने फिर से जीत दर्ज करके सरकार बनाई है। 100 से 125 दिन ही अभी बीते हैं, लगातार मंत्री और लगातार सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि हमने 100 दिन में क्या काम किया था और आगे हमारा एजेंडा क्या है। लेकिन उसी बीच भ्रष्टाचार के बड़े जो कपाट हैं वो खुले हैं अलग अलग विभागों में, और ये पता चला है कि अलग अलग तरीकों से इन विभागों में भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो दवा के नाम पर हो, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर हो, पीपीई किट के नाम पर हो, कई सारे जो घोटाले हैं वो खुले हैं। और उन घोटालों के ऊपर जब सरकार ने कार्रवाई की है तो कुछ मंत्री भी नाराज हुए हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि एक तरफ जहां हम नए राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के रूप में, लगभग सबको ये पता चल गया है कि वही है हमारे देश की अगली राष्ट्रपति, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं वो दिख रही हैं सरकार के सामने। अब वो इन समस्याओं से कैसे लड़ेगी और ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई, बयान सुनिए और उसके बाद में इस डिबेट को शुरू करते हैं। विषय इशू थे वो मैंने रख दिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विषय रख दिया। इनके खुद के विभाग के मंत्री दिनेश खटीक जी का आज बयान है कि नमामि गंगे से लेकर घर घर नल पहुंचाने की योजना में उनके अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं और तबादले तक में घोटाला हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से कि आप इन बेईमानों पर कार्रवाई कब करेंगे। एक आपका मंत्री खुद से कह रहा है कि मैं दलित समाज से हूं इसलिए मेरी सुनी नहीं जाती, नमामि गंगे में घोटाला हो रहा है, घर घर जल योजना में घोटाला हो रहा है, जल जीवन मिशन में घोटाला हो रहा है, आपकी सरकार क्यों इस तरह से सो रही है? आप शराब पैसा खर्च कर रही है भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जनमत को खरीदने के लिए, वो आएगा कहां से? तो दिनेश खटीक गलत समझ गए कि यहाँ सामाजिक न्याय होगा, यहाँ मंत्री के अधिकार सुने जाएंगे। जो मुख्यमंत्री के सबसे नज़दीकी लोगों में से पिछली बार भी जल शक्ति मंत्री थे, अभी भी हैं, और वो सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे उनके हितों का, आर्थिक हितों का संरक्षण कर रहे हैं, उसमें दिनेश खटीक की बलि चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि दिनेश खटीक को बधाई देनी चाहिए, जैसी भी परिस्थितियाँ कम से कम उन्होंने आवाज़ तो उठाई। ये आवाज़ कितनी दूर तक जाएगी, वो मैनेज होंगे, मनाए जाएंगे, धमकाए जाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने आवाज उठाई, तो आज आप और हमारे बीच में ये भ्रष्टाचार बेईमानी का मुद्दा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए, उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। दिवाकर सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नितेंद्र यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आवाम मईद हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सैयद तकी अहमद साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं। सभी को आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नितेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा, आप लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारें चलाई हैं, ये बीजेपी ने 37 साल बाद दूसरी बार उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करके इतिहास रचा है, लेकिन ये कैसा इतिहास कि सवा सौ दिन में ही उनके कई सारे जो मंत्री हैं वो नाराज़ हैं अपने अधिकारियों से, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दिनेश खटक नाराज़ थे, हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया, उन्होंने अपनी सारी शिकायतें जो हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखी, लेकिन कई ऐसे और मंत्री हैं जो अपने अधिकारियों से नाराज़ चल रहे हैं, कारण क्या है? ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन्हीं की सत्ता में इनके घोटाले सामने आने लगे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा नाराजगी व्यक्त करने का मामला रहा हो, तो उनके विभाग में उनके संज्ञान में लिए बगैर ही इतने बड़े पैमाने में ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हो गया। और ये सर्वविधि से कि ट्रांसफर पोस्टिंग एक तरीके से सरकार में अघोषित व्यापार हो चुका है, वही मामला पीडब्ल्यूडी विभाग में देखिए लगातार आया, वहां भी बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आजकल से आप देख रहे हैं कि जल शक्ति मंत्री खटीक जी, ये तीनों ने पूरा खुला पत्र लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह जी को, उसमें सारा सब कुछ लिखा गया है और वो मंत्री खुद कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग भारी पैमाने पर धन वसूली की गई है। जब सरकार का मंत्री इस बात पर मोहर लगा दे, किसी विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी तो मंत्री होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री होता है, जब मंत्री अपने विभाग पर
घोटाले और रिश्वतखोरी और सांसद कोचिंग और तरुणाई के मामले पर सीधे मोहर लगा रहा है। तो अब ये बात तो साफ हो गई है, अब इसमें कहीं कोई ऐसी बात तो रह नहीं गई है। भ्रष्टाचार तो खुलेआम हुआ है और मुख्यमंत्री जी पर तो इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। और लेकिन ये कहें कि कार्रवाई इसलिए नहीं होगी, ये सांसद पोस्टिंग उद्योग और इस नैतिकता का झगड़ा ही नहीं है। ये झगड़ा लूट के बाद में बंटवारे का झगड़ा है। अच्छा, माननीय मंत्री जी ने बराबर कहा कि हमें अधिकारी मेरी बात नहीं सुनता है, मैं उनसे कोई बात पूछता हूँ तो मेरी बात सुने बगैर फोन काट देते हैं, मेरे संज्ञान में लिए बगैर सांसद पोस्टिंग हो गई। इसका मतलब है जो वसूली हुई, और बार बार मैं दलित हूँ इसलिए मेरा शोषण हो रहा है, दलित है इसलिए मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा। मामला कुछ नहीं, मामला सिर्फ इतना है कि लूट के बंटवारे में जो हिस्सा जाना चाहिए था वो मंत्री जी तक नहीं पहुँचा, वो सीधे जहाँ जाना चाहिए था वहाँ चला गया। कुछ अधिकारी जिस रास्ते से काम कर रहे हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि देखिए मंत्री कुछ नहीं होता, मेरी पोस्टिंग जहाँ से हुई है मुझे वसूली करनी है और एक कारकास के माध्यम से हमें सही जगह तक। तो ये कहा जा सकता है कि मंत्रियों का जमीर जागा है? जागा नहीं नितिन जी, जमीर जागा होता तो इस्तीफा राज्यपाल को जाता। अच्छा, ये सिर्फ अमित शाह जी कौन से था कि भाई इस्तीफा लेने वाले या ना लेने वाले। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं, ये किसी प्रोटोकॉल में नहीं आते कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री विधानसभा के अध्यक्ष को या तो अपना त्याग पत्र सौंपता है महामहिम राज्यपाल को, अपना त्याग पत्र सौंपता माननीय मुख्यमंत्री को सौंपता। ये तो सिर्फ एक अपनी नाराजगी जताना है कि मम्मी मम्मी मुझको भी दूध पिला दो, मम्मी के दूध पीने के लिए एक बच्चे की जो रोने की आवाज होती है ये वो है मात्र। अब मम्मी ने इसको मुंह में एक लॉलीपॉप दे दिया कि बेटा ये लो लॉलीपॉप और जाके ठीक हो जाकर के बोले आप सब ठीक हो गया, कोई नाराजगी नहीं है। सिर्फ इतना मामला है और ये एक घोटाला नहीं है। आप चाहे कुंभ मेले में बिजली के घोटाले से शुरू करिए, मांडा के गड्ढा तत्वों की आप बात करिए, बदायूं का घोटाला देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी के घोटाले देख लीजिए, पीडी के पीपी किट खरीदने के घोटाले देख लीजिए, करोना एक घोटाले की लंबी फेरिस्त है। अच्छा, स्कूलों में जूते मोजे और सप्लाई के मामले को देख लीजिए, पूरा पूरा सेशन निकल गए, जूते मोजे और बच्चों की किताबें तक उपलब्ध नहीं करा पाए। ये बड़े घोटाले सभी खुलेंगे जहाँ पर हिस्सेदारी में बंटवारे को लेकर झगड़ा होता है, वो मामले थोड़ा प्रकाश में आ जाते हैं, वरना सारे मामले दबे हैं। लेकिन जिस दिन सत्ता परिवर्तित होगी तो ये इस सरकार के आधे से अधिक मंत्री जेल के पीछे होंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। दिवाकर सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से। दिवाकर जी, नितिन जी ने काफी कुछ कह डाला, उन्होंने कहा कि ये तो अनोखा हो गया कि सरकार में ही सरकार के भ्रष्टाचार खुलते जा रहे हैं, अधिकारी किस तरह से क्या क्या कर रहे हैं ये मंत्री खुद बता रहे हैं। कितनी सच्चाई है इनकी बातों में, और क्या आपकी सरकार में आपके मंत्रियों में उनके अधिकारियों में सारा सामंजस्य है? दूसरी चीज ये भी है कि आप लोग राष्ट्रपति का चुनाव जीत रहे हैं, बहुत बधाई। नितिन जी आपके बधाई के लिए धन्यवाद जी। राष्ट्रपति चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, जनता चाह रहे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे विश्व की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई बनी रहे। और जहाँ तक इनके आरोप की बात है, देखिए स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ प्रशासन और जहाँ स्वस्थ रूप से सरकार चल रही है वहाँ पे आपसी परिवार है, बड़ा परिवार है। अगर कोई शिकायत आती है तो परिवार बैठ करके उसको तय कर लेता है, यही हमारे देश की परंपरा रही है। किसी को किसी कारणवश नाराजगी हुई तो उसका समाधान अपने घर के अंदर ही कर लिया जाता है। लेकिन ये क्या कहेंगे घोटाले के नाम, घोटाला थोड़ा घोटाला उन्होंने कहा नहीं, खट्टिक साहब चाहे जो कहे घोटाला शब्द ये लोग ला रहे हैं, क्योंकि ये लोग घोटाले बाजों की सरकार रहे हैं। इनके यहाँ बंटवारा होता था, कौन परिवार में किसको बांट रहा, कौन किसको बांट रहा, पूरा जग जाहिर है। आज तक घोटाले चल रहे हैं। यह कार्रवाई जो हुई है, हमारे माननीय मंत्री जी ने अपनी जो बात कही है उचित फोरम पे कही है, पार्टी के फोरम पे कही है, तो पार्टी के फोरम पे कहना तो स्वस्थ परंपरा है। पार्टी की स्वस्थ परंपरा, अगर आपको कोई शिकायत है, किसी बात की जानकारी में आपको कमी है, तो आप अपनी बात जानकारी के माध्यम से ले सकते हैं। और हमारे जल शक्ति मंत्री जी का बयान है कि निरंतर उनकी बात माननीय राज्य मंत्री जी से होती है। ठीक है, कोई किसी बात में भेदभाव, किसी बात में कमी हो गई हो तो उसकी बात उन्होंने उचित मंच पे कह दी, उचित मंच उसका संज्ञान लेगा, जो सही बात होगी उस पर कार्रवाई करेगा।
घोटाला कहीं नहीं शब्द है, पूरी सरकार स्वस्थ परंपरा चल रही है, किसी भी आरोप में घोटाला का नाम नहीं है। चाहे ब्रिजेश पाठक जी का अमित मोहन का नाम लिया हो, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि थोड़ी हमारी जानकारी में नहीं सुन लीजिए, एक चीज मैं कहूंगा, सुन लीजिए पहले पूरी बात हमारी सुन लीजिए, आप कहिएगा। घोटाला शब्द कहीं नहीं आया, चाहे पीडब्ल्यूडी में आया है स्वस्थ मानसिकता से, जो अधिकारी अगर अपने पुराने कार्य पद्धति पे रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया। सुन लीजिए जल्दी मत करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को नहीं बख्शेंगे, जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस रहेगा। निश्चित रूप से सरकार स्वस्थ परंपरा से चल रही है, यह बड़ा परिवार बीजेपी का है, बड़ी सरकार है, दोबारा जनता ने चुन के भेजा है और भ्रष्टाचार मुक्त के लिए भेजा है। अगर कहीं से भ्रष्टाचार की बू आएगी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को नहीं बख्शेंगे, उसकी स्वस्थ परंपरा से जांच होगी। और घोटालेबाज जो लोग हैं, घोटाला उनको हर चीज में दिखाई देता है, सावन में जिनको हो जाता है हरा हरा दिखाई देता है, इन लोगों को हर बात में घोटाला दिखाई देता है, क्योंकि लोग उसी में रहे हैं, उसी से सरकार चलाए हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे बड़े से बड़ा कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई हो, स्वस्थ जांच होगी, जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। ठीक है, हमाम वैद्य क्या कह रहे थे, आप बीच में क्यों बोलना चाह रहे थे? मैं महोदय को बड़ी खामोशी से सुन रहा था। महोदय कह रहे घोटाले शब्द का कहीं शब्द यूज नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी खटीक जी जो लेटर लिखे हैं आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें जग जाहिर हो जाएगा कि किस तरीके से माननीय मंत्री जी की गैर बिना जानकारी के, बिना उनके इंफॉर्मेशन के उनके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, और उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया घोटाला शब्द के बल पे। घोटाला शब्द नहीं आया, थोड़ा सा भेदभाव, थोड़ा सा वार्ता के क्रम में बताया, वार्ता के क्रम में कमी रही होगी, वार्ता पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए कहा जाएगा। जो ब्रिजेश पाठक जी ने कहा है उसमें भी घोटाला शब्द नहीं है। ब्रिजेश पाठक का पत्र मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, उनके संज्ञान उन्होंने मांगा है, उनमें घोटाला शब्द नहीं है, उन्होंने संज्ञान में मांगा कि जरा मुझे बताएं, पैसे कहीं नहीं शब्द आया, पैसे के शब्द आप लोग क्रोधा है और जाइए जवाब दीजिए। घोटाला में आप लोग रहे हैं, हवा से लेके पानी तक सारे लोग आप हैं, आप जाके जवाब दे, घोटाला शब्द कहीं नहीं आया। नितिन जी, बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए। पार्टी को काम करने के लिए कोई काम तो कर नहीं सकते विकास के नाम पे, सारा विकास तो सारा विकास हो रहा है, इतनी बढ़िया सरकार चले, विश्व में डंका बज रहा है, अब क्या कार्य चाहेंगे आप? कौन सा कार्य चाहेंगे? पूरा कीजिए। 101 मिसाइल एक दिन में छोड़ी जा रही है, अब क्या चाहेंगे आप इस सरकार में? विश्व का गुरु बन गए, आप क्या चाहेंगे? ठीक है दिवाकर जी, सुन लीजिए। गांधी जी ने कहा कि दलितों का दलित समाज बन के छा हुई है, पैसे की लेन देन हुई है, पैसे के बल पे हमारे विभाग की बिना जानकारी नहीं है, सब लोग झूठ के झूठ बातें बोलते रहे। ठीक है, प्लीज मत बोलिए, पहले राउंड में नहीं, घोटाला शब्द आया है, स्वस्थ परंपरा में जांच हो रही है, स्वस्थ परंपरा में जांच हो रही है, घोटाला है आप लोग के। आप लोग दिवाकर जी प्लीज सुन लेते। महोदय सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी था, सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी है, उससे बड़ा घोटाला पीएम केयर फंड से। नितिन जी मैं आऊंगा, प्लीज देश की जनता को बताएं कितना पैसा आया, जिनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है, हमने देश की सत्ता से काम हो रहा है, जो भी मांगा जा रहा है सब चीज का जवाब दिया जा रहा है, कहीं घोटाला नहीं, नोटबंदी में कहीं कोई घोटाला निकल के नहीं आया, आप बताइए आपके कोयला में घोटाला है कि नहीं, हवा में घोटाला है कि नहीं, समुद्र में घोटाला है कि नहीं, आप बताइए ना, नहीं सुनी जा रही है, प्लीज ठीक है, जमीन में घोटाला आया कि नहीं, आप बताइए ना, कोई घोटाला शब्द सिद्ध हो गया बताइए, केवल जवानी जंग से नहीं होगा, कहीं घोटाला शब्द निकल के सरकार में 5 साल नहीं आया, प्लीज प्लीज डेढ़ साल सरकार चल चुकी है, कहीं घोटाला शब्द कोई मंत्री के आज तक आज नहीं आई, कभी कोई सी कोई याद नहीं आया देता, जो जिस विभाग का मंत्री है वो उसकी जानकारी नहीं देता, ये तो आपके पहले ही दिन से परंपरा आपकी सरकार में रही है, दिल्ली सरकार में ही है, 100 दिन के कार्य की बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने जब जानकारी नहीं होती हमारी सरकार 100 दिन पूरा होने पर सारे विभाग बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है प्लीज प्लीज ठीक है थैंक यू, मैं आऊंगा मंत्रियों को अधिकार ठीक है हमाम भाई प्लीज ठीक है। सैयद तकी अहमद हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। तकी भाई आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए घोटाले पे घोटाला नहीं, अभी दिवाकर जी कह रहे घोटाला हो ही नहीं रहा, आप कहाँ घोटाला, दिवाकर जी या भ्रष्टाचार को सत्कार कह रहे, शब्दावली बदल ली गई है, गैर संसदीय भाषा हो गई है, तो वो भ्रष्टाचार को सत्कार कह रहे, उनके अनुसार वो सत्कार है, लेकिन घोटाले पे घोटाला और योगी प्रशासन
टू जो है योगी प्रशासन उनसे भी ज्यादा काला। और हमारे अभी हमारे नेताजी कह रहे थे कि विश्व गुरु की बातें कर रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये जंगल में एक कुआं था, उस कुएं के अंदर मेढक था, मेढकी थे, उसके दो बच्चे थे। मेढक जो है वो अपने बच्चों को रोज कहता था कि देखो मैं दुनिया का सबसे बड़ा जानवर हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। और माता जी कहती थी हाँ बेटा तुम्हारे पापा सबसे बड़े हैं। तो बच्चे खुश के ताली बजाते पापा सबसे बड़े, पापा सबसे बड़े, पापा सबसे बड़े। एक दिन बारिश होती है, पानी ऊपर आ जाता है, मेढक के बच्चे जंगल में घूमते हैं, देखते हैं जंगली भैंसा, कहते हैं ये तो पापा से बहुत बड़ा है। फिर देखते हैं हाथी, अरे तो और भी बड़ा है। फिर शेर देखते हैं, फिर बहुत सारे जानवर देखते हैं, कहते हैं ये तो बहुत बड़े जानवर है। फिर पानी नीचे हो जाता है तो वो नीचे आते हैं, अपने पापा से मिलते हैं, पापा आप तो कह रहे थे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए तो कहानी कहने का, अरे पहले राउंड में ना बोलिए, सुन तो लीजिए कहानी का के अपना समय मत लीजिए। आप अच्छे डिबेट पे बैठे हैं, आप भैंसे की और मेंढक की कहानी मत बताए, अपनी बात कहिए। आपको कहने कुछ है ही नहीं है, मेरा अधिकार में क्या कहूं, आप कहानी बनाएंगे, कहानी बनाएंगे मेंढक की और कहानी सुनने के लिए थोड़ा डिबेट बैठे हैं, बताइए ना। आप बता रहे हैं घोटाला हुआ है, राजा ठीक है टॉपिक पे, अरे बात के हम कहानी सुनने के लिए बैठे हैं, टॉपिक पे सुनेंगे, मेंढक के भैंस के पर आए हैं ना, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे कौन सा मुद्दा है, आप डिबेट का एकदम हल्का कर रहे हैं, कहानी सुनने के लिए बैठे हैं, ये जाके घर में गांव में कहानी सुनाइए। आप सुनिए, आप डिबेट कर रहा हूं। उसके बाद बच्चे कहते हैं पापा आप तो मेरे सबसे बड़े आप हैं, लेकिन वो हाथी भी, गेंडा भी, शेर भी, सब बहुत बड़े बड़े। तो बोले अच्छा वो क्या मुझसे बड़ा था, वो फूल जाते हैं, वो किससे बड़ा भी था। तो ये बीजेपी का यही है कि ये पापा सबसे बड़े, इनको लगता है मोदी जी सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, विश्वगुरु बन गए, जबकि करेंसी भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। करेंसी और विश्वगुरु, पूरे विश्व की आर्थिक मंदी आई है, पूरे विश्व की आर्थिक मंदी में हम सबल हैं। आप कह रहे हैं इसकी तुलना मेढक हाथी की करेंसी पे ला रहे हैं, आप मेढक हाथी तुलना जो बाइडेन जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति तक जाकर के सुनने की क्षमता, अरे सुनने की आप सही बात बोले ना, आप सही बात बोले, सही बोले, और कौन डिसाइड करेगा, युवा मेढक ला रहे हैं, समाज नुकसान कर रहे हैं, ऐसे नहीं, मेढक की बात मानिए, वन बाय वन प्लीज, वन देखिए जो उत्तर प्रदेश में इस्तीफा है उस बात को दर्शाता है पूरी तरह से कि उत्तर प्रदेश में जनता का जो पैसे का बंदरबांट हो रहा है उसके अंदर उनको मंत्री जी को सही नहीं मिल रहा है। दूसरी बार ये खड़ी जी पहली बार मंत्री बनाए गए, इससे पहले जो है ये पहली बार एमएलए भी आए, तो जाति का समीकरण को साधने के लिए उनको मंत्री बनाया गया है। और लेकिन सबको पता है कि मंत्री जो खाना पूर्ति के लिए बनाएंगे उनको कोई अधिकार दादा दिया, सामाजिक समरसता को जाति समीकरण मत चाहिए, अरे वो आप ही के लोग खोजा हुआ शब्द है साहब, मैंने सामाजिक समीकरण बताया, उसमें वो फ्रस्ट्रेट हो रहे, परेशान हो रहे। दूसरी बात ये की दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का जो कंट्रोल है वो योगी जी के पास नहीं है, वो कंट्रोल जो अमित शाह के पास है, वो रिमोट कंट्रोल लिए बैठे हुए। अगर इनको परेशानी थी तो ये पहले राज्यपाल के पास जाते या यहाँ मुख्यमंत्री जी के पास आते, तो ये अमित शाह जी के पास मुलाकात हो रही है, सारी बातें रखी है। पहले स्टेप क्या लिया, पहला स्टेप तो ये लिया और ये सब खाना पूर्ति है। गृह मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी है, मुख्यमंत्री की जब चाहते मीटिंग बुला लेते हैं, आपको संविधान पता होना चाहिए। गृह मंत्री मुख्यमंत्री की मीटिंग बुला सकते हैं, ये बहुत बड़े अच्छे प्रशासक हैं, वो बहुत अच्छे से चला रहे हैं सरकार, ये बार बार संदेह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई चला रहा है। हमारे गृह मंत्री जी हर सरकार पे नजर रखते हैं, नहीं कई बार इससे पहले भी हुआ, हमारे गृह मंत्री जी हर सरकार पे नजर रखते हैं। आईके शर्मा जो आईएएस ऑफिसर है उनकी नियुक्ति को लेके पार्टी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी की सरकार के बीच में, तो उत्तर प्रदेश सरकार में अखिल सरकार के बीच विवाद हुआ है। इससे पहले भी दिसंबर 2018 में याद होगा बीजेपी के 60 एमएलए अपनी सरकार के खिलाफ बैठ जाते हैं फ्लोर के ऊपर, उसके तो बाद हम सरकार में आए ना, आप कुछ कर नहीं पाए, जनता ने हमको चुना है, स्वस्थ मानसिकता का विरोध करते हैं हम, दो साल घर में रह के विरोध न करें, घर में परिवार है, कोई विवाद है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई, जो समझ में आएगा पूछेंगे, ठीक है, यही स्वस्थ मानसिकता, हो गया आप लोगों का, हो गया भाई आप लोगों का, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है तकी भाई, ठीक है प्लीज, ठीक है दिवाकर जी प्लीज, ठीक है, थैंक यू, मैं आऊंगा, आपके लोगों ने उजागर किया उसको सब पता नहीं पा रहे, मैं आऊंगा आपको लोग शंका दिखा, ठीक है तकी भाई प्लीज, हो गया तकी भाई, पता नहीं पाता तकी भाई, हो गया प्लीज, ठीक है प्लीज तकी भाई। हां सुभाष यादव जी हमारे साथ हैं, सर आप इस पूरे वाक्य को किस नजर से देख रहे हैं, और जिस तरह से भी विपक्षी दलों ने कहा कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार पनप रहा था उसी को ही उजागर करने का प्रयास हो रहा है, चल रहा है, और मंत्री इसीलिए नाराज भी हैं, इस पूरे ही घटना को किस नजर से आप देखते हैं? नितिन जी सबकी बातें सुनी मैंने, कहानी भी सुनी, मेंढक मेंढकी सुनी, तालाब सुना, कुआं सुना, हंसी भी आई, कुछ थोड़ा सा हल्के से समय के लिए डिबेट से थोड़ा सा भटके भी,
सबसे पहली बात तो यहाँ पे घोटाले का जिक्र नहीं है। तमाम जो विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया, या जैसे कि तभी भी बोल रहे थे अभी कि अमित शाह जी को पहला लेटर दिया गया, तो ये विपक्षियों की, मैं बोलना चाहूंगा विपक्षियों की साजिश है, क्योंकि दिनेश खट्टिक जी ने इस्तीफा राज्यपाल को भेजा था और उसकी एक कॉपी अमित शाह को भेजी थी। सुनिए, अभी आप विपक्ष को बोल, अभी आप बोल रहे थे भाजपा सुनने की क्षमता नहीं रखती है, आप सुन ही नहीं रहे, आप तो सुनिए पहले, पहली बात तो देखिए, उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा, उसके एक प्रति अमित शाह को भेजी, लेकिन विपक्षियों ने क्या किया, राज्यपाल की जो प्रति थी उसको हाईलाइट ना करते हुए अमित शाह की प्रति को हाईलाइट किया और यह दिखाने का प्रयास किया कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इस्तीफा राज्यपाल को भेजना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अमित शाह को भेजा। ये एक प्रोपोगंडा अपना रहे थे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से, लेकिन सबसे पहले कॉपी भेजी गई थी राज्यपाल को। दूसरा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी आरोप लगाया, हमाम भाई ने आरोप लगाया कि घोटालेबाज की सरकार है, उस चिट्ठी के अंदर नहीं सच्चाई है, ठीक है, प्लीज सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, अरे हमाम भाई प्लीज सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, उस पूरे चिट्ठी के अंदर उसको अगर ध्यान से पढ़ा जाएगा तो उसके अंदर उन्होंने कहीं ये आरोप नहीं लगाया कि घोटाले की सरकार है या घोटाले हो रहे नमामि गंगे परियोजना के अंदर या जल शक्ति मंत्रालय के अंदर। उन्होंने सिर्फ ये आरोप लगाया कि मुझे राज्य मंत्री बनाया गया है, मेरी उपेक्षा हो रही है, मुझे सिर्फ राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, क्या सिर्फ गाड़ी के लिए या सिक्योरिटी के लिए, मुझे काम क्यों नहीं दे जा रहे, अधिकार का शब्द किया, आप पढ़िए महोदय, आप पढ़िए, इतनी सफाई से आप झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, हो गया भाई, मैं सुन तो लूं, पहले इनकी बात कर लूं, मैं बात कर लूं, सुभाष जी, हमाम भाई आऊंगा, हमाम भाई आऊंगा, सुभाष जी पूरी बात कर लीजिए। ये लेटर देख रहे हैं, ये लेटर पोस्ट हुआ है दिनेश खट्टिक जी का, कहो तो भेज दूं भी व्हाट्सएप पे, अगर इसके अंदर कहीं पे भी अगर भ्रष्टाचार लिखा रहेगा ना तो डिबेट में बैठना छोड़ दूंगा हमाम भाई, इस डिबेट के अगर इस लेटर में कहीं भ्रष्टाचार का जिक्र हुआ है तो पहले उस लेटर को पढ़िए। राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हो आप, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हो बिना लेटर को पढ़े, इसीलिए कांग्रेस गायब हो गई, जीरो हो गई, ये तो दो जीते हैं ना, ये अपने दम से जीते हैं, कांग्रेस का इसमें कोई रोल नहीं है, पढ़ते लिखते हो नहीं, आगे बाबा बाबा बयान दे शुरू कर देते हो, पहले लेटर पढ़ो, उस लेटर में अगर कहीं पे भी भ्रष्टाचार का उल्लेख नितिन जी, हर गवर्नमेंट चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार रही हो बहुजन समाज पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकारों के अंदर कहीं ना कहीं एक सामंजस्य का कभी कभार अभाव हो जाता है। मैं नितेंद्र जी को समाजवादी पार्टी की 2012-17 की सरकार के अंदर लेके जाना चाहूंगा, जब मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए थे और इन्हीं की समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जिनका नाम ले रहा हूं, अबू आसिम आजमी, जो महाराष्ट्र के गोवंडी मानखुर्द से आमदार हैं और महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर जब दंगे हुए थे तो उस समय अबू आसिम आजमी ने दो बार मिलने का प्रयास किया था अखिलेश यादव से, लेकिन अखिलेश यादव ने फोन नहीं उठाया था, वो डायरेक्ट चले गए थे मुजफ्फरनगर, बाद में उनमें विवाद हुआ, वो पार्टी छोड़ने वाले थे, तब आपने नहीं देखा नितेंद्र जी, कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टी के नेताओं के अंदर सामंजस्य नहीं बैठता तो उसको अलग तरीके से घुमा के देखा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि घोटालेबाज की सरकार हो गई या उनके ऊपर आरोप उसको दिखाने का प्रयास नहीं करते, जो रियलिटी उसको बताइए ना आप, आरोप प्रत्यारोप बड़ा आसान होता है, आप विपक्ष के अंदर जाएंगे, आप विपक्ष के अंदर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कल को भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी आपके ऊपर आरोप लगाएगी, लेकिन जो वास्तविकता उस वास्तविकता पर ध्यान रखना चाहिए ना, हमाम भाई बार बार आरोप लगा रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचार की सरकार है, घोटालेबाज की सरकार है, अरे भैया अगर इतने ही दूध के धुले हुए हैं तो क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सोनिया गांधी से अगर पूछताछ हो रही है, सुनिए तो, आज सोनिया गांधी से अगर पूछताछ हो रही है, अगर आपकी सोनिया गांधी बिल्कुल नीट नंबर वन है दलितों के खिलाफ, धरना प्रदर्शन किसने कर रहे हो आप लोग, सब आंकड़े धरना प्रदर्शन किसने कर रहे हो आप लोग, बचाने के लिए चीजों को पहले जानिए, समझिए, वर्क करिए, हमें आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, डिबेट में बैठ के बोलना बड़ा आसान होता है कि जो मुंह में आया बोल दिया, वर्क करिए उसके ऊपर, ठीक है नितिन जी, तो क्या आप भी झूठ नहीं परोस सकते, हमाम भाई, हमाम भाई आ रहा नितिन जी, मैं परोस रहा हूं, मैं नितिन जी, मैं पढ़ता हूं, हां हां नितिन जी, मैं लेटर पढ़ता हूं, ठीक है हमाम भाई बताइए, नितिन जी लोगों को डाउनलोड कर लीजिएगा, माननीय गृह मंत्री के नाम जो लेटर जारी हुआ है उस लेटर में माननीय मंत्री जी लिखते हैं, इस विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं, और इस विभाग में
हस्तांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये लेटर अगर झूठा है या फेक है तो माननीय दिनेश खटीक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मीडिया के सामने आके उसका पुष्टिकरण करना चाहिए, वरना ये लेटर जो दिनेश खटीक जी के नाम से फिर झूठ बोल रहे हो, 19 तारीख को जारी हुआ है माननीय अमित शाह के नाम पे, उसमें भ्रष्टाचार ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है जो अपनी झूठ के जनहित के मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कदम नहीं हो पाएंगे। भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये शब्द है। मामलों में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, गड़बड़ी को लेकर जब उन्होंने अधिकारियों से जानकारी मांगी, ठीक है कोई तवज्जो न दिए जाने के कारण एवं दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी के योजना नमामि गंगे एवं हर घर जल योजना के नियमों की अनदेखी हो रही है, भ्रष्टाचार घोटाला। आगे हम पढ़ते हैं ना, जबरदस्त विवाद में नमामि गंगे योजना के अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कॉपी नहीं है मेरे पास, जो ग्राउंड से जाने पर पता चलता है ये वही है। बिल्कुल पढ़िए, घोटाले की सरकार चला रहे हैं लोग, घोटाला का नाम जानते हैं। चलिए ठीक है, नितिन भैया पढ़ के सुना दिया हमने, सारे लोग घोटाला में है, घोटाला में लिप्त है, जेल में है अभी तक। अच्छा बार बार सुनाते रहे, मतलब डिबेट में लाइनें पढ़ के सुना, डिबेट पढ़ा ही नहीं। एक भी मंत्री ने घोटाला लगा हो तो बता दीजिए। आज तंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और साल भर ये सरकार होगी इसमें चार जगह भ्रष्टाचार का बड़ यूज हुआ है। महोदय आप पढ़िए, आप वर्क करके नहीं आए, झूठी सरकार वर्क करके नहीं आए, केवल वर्क करके नहीं आए, जैसे याद कर। मैं बता रहा हूँ ना, इस विवाद में आपके बताने से कुछ नहीं होगा। अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, देश की जनता को गुमराह करते हैं, भारत देश की जनता को गुमराह करते हैं, सीमित हो गए दो राज्यों में, कल को वो भी चला जाएगा। सामने है, पढ़िए आप उसको, पढ़िए, पढ़ाने में पढ़ू। नितिन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज, अमां भाई मैं आऊंगा। ऐसा लग रहा है कि दिवाकर और सुभाष तय कर लिया कि दूसरे को बोलने नहीं देंगे, जैसे ही कोई बात शुरू करे दोनों चिल्ला देंगे दूसरे, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, काला बाजारी लोग हैं, ये दूसरे को बात कहने ही नहीं देंगे। कौवा चला हंस की चाल, ये कौवा चला हंस की चाल, क्या बात है, क्या बात है। 2012 से 17 की सरकार आपकी रहे, 17 से 22 इनकी सरकार रहे, भ्रष्टाचार आप करो और मुझ पर आरोप लगाओ,
आपने मुझे कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त देखा? देखा कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त देखा आपने मुझे? देखा भ्रष्टाचारी की सबसे बड़ी पहचान है कि जैसे ही आप उसके ऊपर कोई बात आए तो वो भ्रष्टाचारियों की सबसे बड़ी पहचान आपकी होती है जो अपना ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ देते हैं, लिखा कुछ और जाता उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अपने नेता जब नहीं मिलते और अबू आसिम आजमी जब पार्टी छोड़ने आते हैं उसके ऊपर कोई बयान आप नहीं देते हैं, दिनेश खट्टिक पे आके उलझ जाते हैं। अपना गिरेबान तो देखें, अबू आसिम आजमी पे जवाब दें, अबू आसिम आजमी पे जवाब दें, आप अबू आसिम आजमी पे जवाब दें, आप अबू आसिम आजमी पे जवाब दें। महोदय आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पत्रकार सवालों के जवाब नहीं है, भाजपा प्रवक्ता बोल देंगे, भ्रष्टाचार बोल देंगे, घोटालेबाज बोल देंगे, कुछ भी जुक्ति संगत बातों पर आइए, लॉजिक वाली बातों पर आइए ना, उसको एक्सेप्ट किया जा सके। ठीक, दिवाकर जी के पास चलेंगे, आप लोग दिवाकर जी को कह रहे हैं, मैं दिवाकर जी के पास चलूंगा। नितिन जी ये स्पष्ट कर दीजिए, इसमें भाजपा का प्रवक्ता। ठीक है, मैं आऊंगा। ये जो दोहरा चरित्र वाले मुखौटा लगा करके बैठेंगे भाजपा का, ये गलत है। दिवाकर का जवाब ये सवाल देंगे क्या? हाँ दिवाकर जी जवाब दीजिए। दिवाकर से मैं सवाल करूँ? सवाल तो आपने मुझसे पूछा था ना, सवाल तो आपने मुझसे पूछा था, जवाब मैं ही दूंगा ना। आपने तो मेरे नाम का उल्लेख किया था, आपने दिवाकर जी का तो नाम लिया नहीं, फिर आप कैसे बोल रहे हैं डबल मुखौटा? मुखौटा आप लोग ओढ़ते हैं, आप लोग मुखौटा ओढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र वैसे भी रहा है ये। अरे तुम्हारे नितेंद्र सिंह यादव तमीज से, तमीज से, तमीज से, तमीज से, तमीज से बात करने का, तमीज से, तमीज से, हमारा गुलाम नहीं है भैया, तमीज से, डिबेट की मर्यादा का मान रखो, डिबेट की मर्यादा का मान रखो, आपका गुलाम नहीं है, प्लीज डिबेट की मर्यादा, पर्सनल बिल्कुल नहीं होना, प्लीज पर्सनल, डिबेट की मर्यादा का मान रखो, पर्सनल नहीं होना, ये समाजवादी पार्टी का यही चल चित्र है, मैं डिबेट खत्म कर दूंगा, मैं डिबेट खत्म कर दूंगा, प्लीज पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, प्लीज पर्सनल नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, हम लोग यहाँ एक विषय पर चर्चा करने बैठे, विषय पर नहीं है, पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज नितिन भाई, प्लीज नितिन भाई, प्लीज 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 नितिन जी, प्लीज मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी ने 5 साल भ्रष्टाचार किया था तो ये दोहरे चरित्र के लोग 6 साल में क्या करते रहे? कैबिनेट मंत्री से दुर्गा प्रसाद यादव परिवहन मंत्री जांच में भी थी, इंक्वायरी करो, लेकिन यहाँ पीछे 2012-17 के अंदर दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ के सदर सांसद विधायक थे, परिवहन मंत्री थे, जांच बैठी थी उनके ऊपर, जांच बैठी थी, जांच खत्म होने के बाद में उनको कैबिनेट मंत्री हटाया गया था, तब उनको कैबिनेट शुल्क राज्य मंत्री दिया गया था, याद भी है कुछ? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बनकर प्लीज ऐसे नहीं, प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज प्लीज, थैंक यू, थैंक यू नितिन भाई, थैंक यू दिवाकर जी, दिवाकर जी, प्लीज पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, प्लीज कोई भी पर्सनल नहीं होगा, प्लीज प्लीज। देखिए काफी लोग हम लोगों को देख रहे हैं, एक एग्जांपल आप लोग सेट करिए, एक दूसरे पर पर्सनल लालचन और एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट करने की जरूरत नहीं, प्लीज दिवाकर जी, दोहरा रवैया नितिन भाई, प्लीज करिए मानहानि का दावा, करिए मानहानि का दावा, दावा करिए, मैं भी आपके ऊपर मानहानि का दावा कर सकता हूँ, क्योंकि आप डिबेट की मर्यादा को लांघ रहे हैं, प्लीज थैंक यू, प्लीज प्लीज पर्सनल लेके आ रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग शांत रहिए, प्लीज प्रवक्ता है, डिबेट की मर्यादा का मान रखते हुए, प्लीज नितिन भाई, सुभाष जी, सुभाष जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की मर्यादा, नितिन भाई प्लीज, हाँ दिवाकर जी पूरी कीजिए, मेरी मर्यादा तुम्हारी मर्यादा है, नितिन भाई प्लीज प्लीज प्लीज, ये अगर तू तरफ पे, ये समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र, ऐसे नहीं होता, ये चाल चरित्र प्लीज, ऐसे नहीं होता, दिवाकर जी प्लीज, आज मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव जैसे निश्चल और अब सब सही कहा आपने, अखिलेश यादव जैसे परिवारवादी सरकार को आप निश्चल बना रहे हैं, एक भी कार्रवाई उन्होंने अपने मंत्रियों की हो तो बता दीजिए, अपने कार्रवाई बता दीजिए, ऐसे ऐसे आरोप लगे किसी पे कार्रवाई पे बता दीजिए, गायत्री प्रसाद को हटाया गया फिर लाया गया, आप बता सकते हैं अखिलेश हटाते थे आपके सरकार में घोटाला, मंत्री को हटाया गया फिर मंत्री बनाया गया, आप क्या बताएं, कई उदाहरण पड़े और 5 साल के अंदर एक भी सरकार पे पिछले 6 साल से राजा भैया किसे प्रस्तावन व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल से हटाया जाता था, जब जांच में बड़ी होता था तो दोबारा मंत्री बनाया जाता था, आपके जैसे लोग सरकार चलाए हो इसीलिए जनता आपको बाहर की है, आपके कर्तव्य को जनता जानती है, सरकार परिवारवाद की सरकार, आजम खान जैसे घोटाले बाजों की सरकार, सारी भर्ती कैंसिल हो गई, सारे टेंडर पर जांच हो रही है, एक भी बता दीजिए कहीं जांच आकर सरकार हो रही है, किसी भर्ती पे कोई निष्पक्ष भर्ती नहीं हुई है, आपके सरकार में लिस्ट जाती थी, आप क्या बताएंगे, इस सरकार में कहीं कोई अनियमितता नहीं है, जो भी है
उसको सरकार के उच्च नेतृत्व को रख करके शंकाएं दूर की जाती है। स्वस्थ मानसिकता की है, परिवारवाद नहीं है, वहाँ चर्चा न हो, यहाँ स्वस्थ चर्चा हो, स्वस्थ परंपरा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे बड़े नेता है, जो कीजिए सबसे अच्छे मुख्यमंत्री 35 साल बाद 37 साल बाद मुख्यमंत्री होने का अधिकार है। अगर आप अच्छे रहते तो जनता आपको चुन लेती। सबसे गठबंधन कर लिए, उसके बाद फेल हो गए। मुझे लग रहा डिबेट खत्म करने के लिए आप लोग इस तरह से प्लीज पर्सनल कमेंट मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सही तक अपनी बात ये ये ये, ये आज चुके भ्रष्टाचार में फंसे, आज ये भ्रष्टाचार में फंसे हैं तो लोगों को एक्साइट करेंगे पर्सनल कमेंट करके। देखिए मैं इस खबर पे कल से नजर रखे हूँ और विभिन्न न्यूज़पेपरों को आज मैंने सुबह पढ़ा भी है और आज भी न्यूज चैनल्स में भी जो आया है उसमें भी लिखा रहा है कि उन्होंने जो मंत्री जी उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दूसरी उन्होंने पहले लेटर अमित शाह को भेजा, बाद में राजपाल जी को गया, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री को गया। तो ये खबर पेपरों में आज निकली हुई है, आप पढ़ सकते हैं जाके, पेपरों के अनुसार मैं दे रहा हूँ। दूसरी बात ये कि साफ तौर से दिखता है कि बीजेपी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इससे पहले भी जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा घोटाला आया था, आपने देखा था। इससे पहले भी जब कोरोना काल के दौरान जो उपकरण खरीद फरोख्त का बहुत बड़ा मामला आया था और ये सब मामले बाहर निकल गए। इनके खुद के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं दवाएं एक्सपायरी डेट की खरीदी गई हैं। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, अब तो ब्रजेश पाठक जी खुद कह रहे हैं कि ये एक्सपायरी दवाएं क्यों खरीद गई, शॉर्ट एक्सपायरी कैसे हो गई। तो ये भ्रष्टाचारी दिखाने विभाग का स्वास्थ्य मंत्री, ये बीजेपी का भ्रष्टाचार है ना, तो बीजेपी भ्रष्टाचार है व्याप्त है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और ये सब योगी जी के संज्ञान में, ऐसा नहीं संज्ञान में नहीं है, वो बंदरबाड़ का मामला है, उसमें किसी को कुछ नहीं मिला, वो परेशान हो गया बच्चा बच्चे की तरह। तो इस तरह का हक है। और अभी देखिएगा ये सब नौटंकी है, ये बाद में खुद ही आके सरकार में आ जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। तो ये जनता को गुमराह किया जा रहा है और जनता के पैसे का बंदरबाट हो रहा है बीजेपी के अंदर और जनता को उसके अधिकार नहीं मिल रहे जिसके लिए जनता ने इनको चुना है। जल जीवन मिशन हमने कहा, अभी देखा सीवर लाइन बहुत पड़ रही थी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में हर सड़क खुदी हुई थी, हर सड़क खुदी थी, क्या हो रहा है, सीवर लाइन पड़ रही, पानी का काम हो रहा है, सड़कें साफ हो जाएंगी। दो दिन बारिश हुई है लखनऊ में, कल बारिश हुई पहली बार, पूरी सड़कें पानी से भर गई थी। 1 किलोमीटर चलने में आपको जो है 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा था, पूरा जाम था, हजरतगंज मेन हजरतगंज में जाम था। आज मुख्यमंत्री आवास के सामने आस पास पानी भरा हुआ है, बच्चे जो है वो चल जूते हाथ में लेके जा रहे हैं, सारी वीडियो वायरल हो रही है। पुराने लखनऊ की एक एक गली, एक एक मोहल्ला जहाँ बीजेपी के सांसद 5-5, 6-6 बार रहे 20-25 साल, वहां घुटने तक पानी भरा हुआ है, गाड़ियां डूब गई पानी के अंदर। ये पहली बार में हुआ है बारिश वगैरह, ये बारिश लगातार 7-8 दिन हो तो आप समझ सकते हैं लखनऊ शहर का क्या हाल होगा। ठीक है, ये भ्रष्टाचार है, ये विकास चिल्ला चिल्ला कह रहे अपने आप, सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है ये। ठीक, सबूत साबित करने की जरूरत नहीं है। जवाब में ये है कि माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी में इतनी क्षमता है कि अधिकारियों ने गलती किया तो उसको उजागर किया, उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, उनकी जवाबदेही तय होती है। कार्य तो अधिकारी करते हैं, मंत्री तो मॉनिटरिंग करता है। पूछने का अधिकार और कार्य कराने का अधिकार हमारी सरकार में सारे मंत्री जिलों के पास है, ऐसे नहीं पास है कि सिंगल मैन ऑपरेशन की सरकार है। और अगर जांच कर रहे हैं मंत्री जी किस लिए हैं भाई, अनियमितता की जांच करने के लिए बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं। अगर ये दवाइयां आई तो उसमें पूछा उन्होंने क्वेरी किया, मैं चुप रहा, एक बार नहीं बोला, चुप रहिए, पूरा जवाब सुनिए, नहीं आप जवाब सुनिए, मैं एक बार नहीं बोला हूँ आपके भ्रष्टाचारी आरोप पे। भ्रष्टाचारी आरोप लगाने वाले खुद भ्रष्टाचारी बने हुए हैं, वो आरोप ना लगा रहे हैं और क्या करेंगे। और स्वस्थ परंपरा यही है नितिन जी, सुन लीजिए पहले आयुर्वेद में जो दवाइयां खरीदी गया, जो भी दवाइयां एक्सपायरी आई, हम लोगों को संज्ञान में आया प्रेस के माध्यम, ये सरकार का मद्दा है कि अपनी भी कमी को लाना है और जांच कराना, ये नहीं कि उसके लिए आप उपद्रव कर दें कि हमारी सरकार में अनियमितता होगी तो हम चुप रहेंगे। अगर हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीडब्ल्यूडी के एनसी को तुरंत सस्पेंड किया और जांच बैठा। देखिए जब तक आरोप सिद्ध नहीं, जांच नहीं सिद्ध हो तब तक किसी को आरोपी नहीं कहा, लेकिन लगा कि है तो उनको सस्पेंड किया, उन्होंने तुरंत सस्पेंड किया। इतने बड़े पैमाने पर स्वस्थ मानसिकता की सरकार चला रहे हैं और जो लोग अनियमितता करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी सुन लीजिए, आयुर्वेद घोटाला कब का पड़ा हुआ है इनकी सरकार में, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये लोग तो अपने मिली भगत, मेरा आप बचाओ मैं आपका बचाऊंगा, एक जुगलबंदी किए हुए लोग हैं।
और स्वस्थ परंपरा में अगर सरकार चल रही है, बातें आ रही हैं फ्लोर पे, जनता जानना चाहती है 100 दिन में आपने क्या किया, हमारी सरकार ने बताया। और जहां दूसरे इन्होंने सीवर लाइन पे बात किया, इनके यहाँ सीवर लाइन सड़कें नहीं खुदी जाती थी, कागज में खुदी जाती थी, कागज में सीवर पड़ जाता था, रोड रिपेयर नहीं बनता था, रिपेयर ने कागज में रिपेयर हो जाता था। और हमारी सरकार में अगर काम हो रहा है तो थोड़ी असुविधा होती है, जैसे मेट्रो बन रहा था तो सरकार जिस समय सरकार बनी, हम लोग तो नहीं कहें सड़कें अवरुद्ध हैं, जाम लग रहा है, भाई काम जब होगा तो कुछ न कुछ दिक्कतें होगी, जनता इसीलिए रहती है कि बड़ी आज सीवर पड़ जाएगा तो कहां जाम पानी जाएगा। आज तक सीवर क्यों नहीं पड़ा भाई, क्यों नहीं पड़ा आज तक सीवर, जवाब ले लें इनसे, सीवर आज तक क्यों नहीं पड़ा, ये क्या कर रहे थे? अगर अस्थाई समाधान हो रहा है, थोड़ी हमारी जनता को परेशानी, जनता हमारा सहयोग कर रही है इसमें, जैसे मेट्रो में सहयोग की, मेट्रो कोई खराब नहीं करा, मेट्रो 3 साल तक बना कोई कहा, तो सरकार इनकी सरकार तो इनको एक शब्द हटा दें, सरकार सख्त मानसिकता से काम कर रही है, काम करेगी, जनता को थोड़ी दिक्कत हो रही, जनता सहयोग करेगी, जैसे जितने भी कार्य होंगे, बड़े कार्य होंगे, सीवर पड़ जाएंगे तो पानी की समस्या यही अंतिम इलाज है, इसीलिए इसका इलाज हो रहा है। नितिन जी, दिवाकर जी के जवाब से सहमत है आप? देखिए दिवाकर जी, जिस तरीके से गोल गोल जलेबी तरीके घुमा रहे हैं, ये 5 साल पहले भी सरकार चलाकर किया है, दूसरे कार्यकाल में बैठे हैं, और जिस तरीके से जल भराव की समस्याएं आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, ये कहां कहां की सीवर लाइन डाल रहे हैं, सारे जनपदों में चल रहा है मिशन सर, हर जल जीवन मिशन सारे जनपदों में चल रहा है, पानी वाटर लाइन पाइप हर जनपदों पड़े, नया पंचायत स्तर तक टंकी बन रही है, आप जानकारी रखिए, सारे जनपदों अमृत योजना के तरफ सारे जनप्रदेश के 70-75 जनपदों में जहां नहीं पड़ा, छोटे छोटे जनपदों में सीवर लाइन काम हो रहा है, आप पता करिए, आजमगढ़ मऊ बलिया हर जगह पड़ रहा सीवर, कोई जनपद नहीं है जहाँ सीवर लाइन नहीं पड़ी है, आज तक क्यों नहीं पड़ी थी, मैं तो आजमगढ़ रहने वाला हूँ, सीवर लाइन आप में अंडरलाइन केबिल पड़ी थी, आज कहाँ गई अंडरलाइन केबिल, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस से आज इन्हीं को बोल लेने दीजिए, एकदम मान लीजिए, दिवाकर जी प्लीज बोल लीजिए, नितिन जी हाँ। अरे आपकी आवाज आएगी तब ना सुनेंगे, आपकी तो आवाज नहीं आ रही थी, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं भाई, बोलिए नितिन जी बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ, मैं कानपुर इतना बड़ा महानगर है, कानपुर में मेट्रो भी बन चुकी है, सीवर लाइन भी पड़ चुकी है, इसके बाद ये जल भराव लखनऊ में आप रहते हो, ये लखनऊ में देख लीजिए जो जल भराव हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, आप सीवर लाइन नहीं पड़ी है आपके, जहाँ मार्ग विक्रमादित्य मार्ग पे रहते हैं, नई सीवर लाइन पड़ी, जाके देख लीजिए, खुदाई हुई सड़क की सड़क बन भी गई, आप कह रहे बनी थी, अरे आप छोटे जिस पैमाने की जरूरत है उस पैमाने की चाहिए, बोल तो रहने दीजिए उनको। हाँ नितिन जी क्या कह रहे हैं, वो बात पूरी कीजिए। आज भाई मुझे नहीं बोलना, आज दिवाकर को पूरा मौका दे दो, भ्रष्टाचार करके आए हैं तो ये दूसरे को जुबान में भी भ्रष्टाचार लगा देंगे, ये नहीं बोल रहे, मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप बोलिए महोदय, आप बोले लेकिन स्वस्थ बात क्या करिए, दिवाकर बाबू एक सेंटेंस पूरा नहीं करने देते हो, आप बोलते हो मैं चुप रहता हूँ, ये किस तरीके का, बोलिए 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 नितिन भाई बोलिए, आप बोलिए, मैं समय भी कम है थोड़ा, नितिन जी बात पूरी कीजिए। अरे आप क्या बातें कर रहे हो, आप जो सिविल लाइन की बात कर रहे हो, जिसको आप आराध्य मानते हो, अयोध्या की नगरी भगवान राम, भगवान राम की नगरी अयोध्या तक में जो अंडरग्राउंड सीवर लाइन का काम हुआ था वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, जो कभी आजादी के बाद से नहीं हुआ था, अयोध्या की महानगरी में, भगवान राम की महानगरी में समाजवादी पार्टी की सरकार में ही पूरी सीवर लाइनों का काम हुआ था, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हुआ था। आप जिस तरीके की बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके का विकास के काम हुए उसको पूरा कर लोगे, यही बहुत बड़ी बात होगी। आज कानपुर महानगर का स्वरूप नगर से लेकर आमनगर से लेकर के और जेके मंदिर के बीच से निकल के जाओ, कितने साल पहले वहां सीवर लाइन पड़ चुकी है, ये सीवर लाइन का बहाना लेकर के आप इस तरीके की बात करेंगे, पूरे के पूरे शहर जलमग्न हो गए, क्षमता बढ़ाई जा रही है, हर चीज की क्षमता बढ़ती है। दिवाकर जी ये भी तो कह रहे हैं कि सरकार स्वस्थ मानसिकता से काम कर रही है, जो भी जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां भी हो रही है, कई सारे अधिकारियों का उनको अधिकारियों को हटाया भी गया है, ये सब भी तो कह रहे हैं। नितिन जी देखिए देखिए, स्वस्थ मानसिकता जिसको कहते हैं वो आज उदाहरण दे रहे हो, समाजवादी पार्टी की सरकार में राजा भैया जैसा कद्दावर मंत्री था जिसके ऊपर आरोप लगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी तत्काल उनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया, सहयोगी दल थे आपकी सरकार में, सहयोगी थे, सहयोगी तो बाहर दिखाए, आजम खान को क्यों नहीं बाहर दिखा दिए, उन्हीं की सरकार में आरोप लगा। नितिन जी आपका लिंक फिर से टूट गया, हमाम वहीद अपनी बात पूरी कीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप, हमाम वहीद आवाज मिल रही है आपको? जी जी हाँ बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि अभी
समाजवादी प्रवक्ता महोदय ने साबित कर दिया कि कितनी जगह भ्रष्टाचार का जो शब्द है वो माननीय मंत्री जी ने यूज किया है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिनका टोटल विश्वास जो है वो झूठ का, ये झूठे लगातार झूठे प्रचार के माध्यम से जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। अब इस तरीके से जब इनके ही मंत्री, इनके विधायक, और अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के जो गिरी क्षेत्र के सांसद जी हैं, उन्होंने मजदूरों का पूरा बकाया कर रखा था। जब वो जनता दरबार में वो आवाज उठाई गई तब उन्होंने उसका भुगतान किया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है वो किसी से लुका छिपा नहीं है। लाख ये लोग इसमें लीपा पोती करे लेकिन वो जग जाहिर है, देश जानता है, प्रदेश जानता है। और भारतीय जनता, चलिए आप लोग कनेक्शन, आप लोग झूठ बोले, कनेक्शन गड़बड़ रहा है, भगवान राम की कृपा हो गई कि आप लोग सुभाष जी भगवान राम की कृपा हो गई। जो भी डिबेट होती है, डिबेट का जो मुद्दा होता है, युवा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देश के पास इतने रोजगार की बात है, लेकिन आज रोजगार के आपको लाठियां मिल रही है, युवा हताश है। हमाम भाई आपका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हमाम भाई, नितिन जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, हो चुकी है। और अब उनके मंत्री, जो मंत्री दलित समाज का है, आदिवासी समाज का है, बैकवर्ड समाज का है, वो अपनी उपेक्षा महसूस कर रहा है, तो वो जो सामने आ रहा है तो उसमें ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं। नितिन भाई प्लीज देखिए, बहुत सारी काबिल लोगों ने अपनी अपनी बात को विस्तार से कहा। ये सच है कि सरकारों में विकास होते हैं, विकास होते हैं तो कहीं ना कहीं आवागमन अवरुद्ध होता है, इस पर कहीं किसी तरीके का कोई प्रतिरोध नहीं है, लेकिन कुछ विभागों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो सदैव किसी एक, अब ये आपकी दिवाकर बात कह रहे हैं, ये इनको कहना भी चाहिए, सत्ता है इनको पक्ष रखना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए। जहाँ सिवर लाइन पड़ रही है, जहाँ खुदाई हुई है, वहां जल भरा सच्चाई है कि वहां है ही नहीं। मैं अभी अभी लखनऊ से आ रहा हूँ और अभी उसी गौतमपल्ली थाने के सामने से गुजर करके, वहां जल भराव है ही नहीं, लाइन पड़ चुकी है। जल भराव वहां है जहाँ बड़े बड़े मेन हाईवे, आप कानपुर का जो जेके मंदिर का स्वरूप नगर का इलाका आप देख लीजिए, जरा सा पानी बरसता है आपकी कारें डूब जाती है, या कभी सीवर लाइन जैसी कोई बात ही नहीं कम जमाने से, क्योंकि वो सीवर लाइनों का काम है, सिल्ट जो जमा होती है उसकी सफाई नहीं होती, और सफाई होती है तो वो वही निकाल के डाली जाती है, पहली बारिश हुई नहीं कि वापस पूरी सिल्ट उसी नाले में, इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। कि अगर आपने इस विभाग में 70% तक का कमीशन है दिवाकर जी, आप जानकारी कर लीजिए। चलिए आप अपनी बात बता रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, यहाँ ई टेंडरिंग है, ऑनलाइन सब है, आपके जैसे चिट्ठी नहीं जाती है कि यह काम इनको दे दिया जाए, इसको रोकिए आप, इसको रोकिए। बहुत 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 धन्यवाद हमारे आईना दिखाने के लिए। आईना देखिए, आप क्या चिट्ठी जाती थी, ई टेंडरिंग नहीं थी, जोगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी आते ही टेंडर कर दिए, और आप ही टेंडर ले रहे हो, यह नहीं देखा जा रहा, यह नहीं देखा जा रहा कौन ले रहा है, और एक व्यक्ति विशेष, एक वर्ग विशेष का काम नहीं हो रहा है। जवाब ले लो, जवाब ले लो, हाँ जवाब ले लो। हमने कहा, हमने चिट्ठी जारी की थी, छह साल में आप एक चिट्ठी का जवाब नहीं दे पाए, आप छह साल में एक भी चिट्ठी नहीं बता पाए कि ये चिट्ठी आई थी, छह साल में आप सरकार में बैठ रहे थे तो क्या कर रहे थे, और हम छह साल में आज क्यों नहीं सफाई करा पाए, छह साल बाद भी ये गंगा जी का तालाब बन के फिर तैरने लगते हैं, सड़कों में नाव चलाने की स्थिति हो जाती है, कितने ही बात करो। आपकी सरकार में धान रोपाई होती थी, धान रोपाई होती थी बलिया में, सरकार में आपके रोड पे धान रोपा जाता था, आप क्या बात करेंगे, हमारी सरकार में अब रोड के मामले में कहेंगे, इस सरकार में एक्सप्रेसवे से लेकर के इतने फोर लेन बन गए, अब रोड के बारे में करेंगे, थोड़ा हजम नहीं हो रहा, ठीक है ठीक है, थोड़ा हजम नहीं हो रहा है, रोड के बारे में मत कहिए, रोड के बारे में दावा से कहेंगे कि 302 किलोमीटर का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे 24 महीने बना करके समाजवादी सरकार ने दे दिया है, उससे चार चार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 28 महीने में बन के उससे बड़ा तैयार हो गया, आप 301, 240 और 320 आप क्या बात कर रहे हो, अभी नहीं चालू कर पाए हो, 6 साल हो चुके हैं समाजवादी सरकार में, ले आउट बना था दिवाकर सिंह, समाजवादी सरकार में ले आउट बना था, 6 साल हो गए हैं अभी तक नहीं चला पाए हो, तो टीवी में बैठ करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल रही है, आपने लाइन कार्रवाई की, दिवाकर सिंह समाजवादी अभी उद्घाटन हुआ बुंदेलखंड, जिधर आपका ध्यान नहीं गया उधर बना दिया हम लोगों, सरकार ने बना दिया,
बुंदेलखंड बन गया, नारे जुट गए, समाजवादी आपस में जुट रहे हैं, काम हो रहा है आपको काम दिखाई जा रहा है, ताप्ती रीवा नदी आपस में जुट गई, क्या क्या कहेंगे? ठीक है भाई, ठीक है, हो गया भाई आप लोगों का, प्लीज प्लीज सुभाष जी इतनी डिबेट चल रही है, डिबेट का मुद्दा जो भी रहा हो, लेकिन डिबेट एक स्वस्थ मानसिकता और स्वस्थ मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप अलग चीज आती है, लेकिन व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। तू तड़ाक की जो भाषा होती है ये किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को शोभा नहीं देती है। मुद्दे होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, सवाल जवाब के जवाब देने भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने शब्दों की मर्यादा को लांघ लिया जाए। रही बात यहाँ पर जो समाचार पत्रों की बात हो रही थी, जैसे कि मैंने बार बार सवाल जब पूछे तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उसका जवाब नहीं दे पाए, गुस्सा आ गया उनको, हड़बड़ा गए, वो सीधा भाजपा प्रवक्ता मुझे कहने लग गए। तो जब समाचार पत्रों की अगर बात हो रही है तो मैं जहां तक समझता हूं आप भी समझते हैं कि समाचार पत्रों के अंदर 90% जो चीजें होती है उसके अंदर लिखा जाता है विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात, उसमें वो सर्टिफाई नहीं करते। अगर ये न्यूज चैनल, ये अगर ये समाचार पत्रों की अगर बात करते समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो मैं आज एक बताना चाहता हूं इनको कि जो नगर निगम का चुनाव लड़ने की जो उम्र होती है ना, पार्षद की लड़ने की उम्र, वो 21 साल होती है। इन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी हैं लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला, नाम लेके बोल रहा हूं मैं। उन्होंने अपने हलफनामे के अंदर 24 साल उम्र दी 2022 के अंदर, और 2017 के अंदर वो पार्षद का चुनाव लड़ी, जैसा कि पत्र पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में छपा है। अब अगर उसकी एवरेज को या उनकी जो उम्र अगर उसको माइनस किया जाए तो क्या वो 2017 के अंदर क्या 21 साल की थी वो, नहीं थी? उस पर भी तो बन जाता है कि नहीं बन जाता कि भाई आंकड़ों के अंदर हेर फेर किया या उम्र के जो सर्टिफिकेट उसके अंदर हेर फेर किया, अगर उसके समाचार पत्रों के ऊपर बात की जाए तो। नितिन भाई, समाचार पत्रों के अंदर उतना नहीं जाना चाहिए, जो रियलिटी है उसमें आना चाहिए। सवाल का जवाब कभी सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब जवाब होता है। नितिन जी क्या तो जवाब देना सीखिए उसके ऊपर, हड़बड़ाहट मत दिखाइए, पर्सनल मत होइए। सुभाष जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, समाचारों की बात मत करिए। मैं ये जिस लाइन पे बात कर, स्मृति ईरानी जी पहला चुनाव लड़ी तो अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक बता करके आई, दूसरे चुनाव में अपनी शैक्षिक योग्यता हलफनामे में इंटरमीडिएट बता करके आई, तीसरे चुनाव में अपनी शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल बता करके आई। अब इसको क्या कहोगे, ये कौन सा आंकड़ा था? दूसरा एक बार फिर से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अभी इन्होंने कहा था कि समाजवादी का जवाब दे दूं, इसका जवाब दे दूं, मुजफ्फरनगर एक मिनट रुकिए, पूरी बात दो प्रश्न पे के दोनों के प्रश्न लीजिए। इन्होंने कहा था अबू आजम आजमी लखनऊ आए थे, आदरणीय अखिलेश यादव तो उनकी बात नहीं हो पाई थी और वो नाराज होकर के मुजफ्फरनगर चले गए थे, फिर वो पार्टी छोड़ने वाले थे। क्या आपसे, आपको उन्होंने फोन करके बताया था क्या? ठीक है, डिबेट से बाहर तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप कभी नितेंद्र जी सुन तो नहीं, वो तो बोल रहा हूँ, कभी डिबेट से हट के पर्सनल बैठिएगा तब आपको बताएंगे आंकड़ों के साथ, बच्चों के साथ बताएंगे। वो बस आपके पास सवाल जवाब नहीं है तो फिर आप यही बोलेंगे, 10 सेकंड समय बहुत कम है, प्लीज मुझे खत्म करना पड़ेगा। दिवाकर जी अभी जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे, इन्हीं के जो है वो एक वो है सभासद, इन्होंने बीजेपी के खिलाफ लखनऊ नगर निगम पे धरना दिया है कि पानी नहीं पहुंच पा रहा है लोगों तक, वहाँ पुराने लखनऊ में काली जी अरे छोटी बात हमारी सरकार छोटी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सरकार 100 दिनों से ज्यादा बिता चुकी है, 125 दिन हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सरकार की समस्याएं भी बढ़ा रही है। विभाग के अधिकारियों से विभाग के मंत्रियों की नहीं बन रही है, खबरें लगातार निकल के सामने आ रही है, नाराजगी भी निकल के सामने आ रही है, नाराजगी भरे पत्र भी आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के कितना सजग है और किस तरह से अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करती है मंत्रियों के कहने पर। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस